हेलो गाइस, आपका हमारे न्यू वीडियो में स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज है 26 जनवरी, छुट्टी का दिन है। अभी इन लोग गए थे लेकिन आ गए हैं, 9-10 बजे तक सब घर वापस आ गए, तो आज तो छुट्टी है। तो फिर अभी हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर खाना, और आज हम दोनों मिल के बना रहे हैं खाना वाना। अच्छा, मैं सब्जी और चावल बना रही हूँ, फिर दाल आके वो बनाएंगे। आज बोले दाल मैं बनाऊँगा तड़का लगा के, अच्छा वाला दाल, और उन्हीं का दाल बनाया हुआ जिन्हीं लोग को पसंद आता है। तो अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ सब्जी, और सब्जी के लिए काट रही हूँ प्याज। और इसके बाद ना मेरे को कपड़ा भी धोना है थोड़ा सा, तो कपड़ा भी धो लूँगी मैं। तो देखते रहिए हमारी वीडियो को, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अभी सब सामने कमरा में बैठ के कुछ कुछ कर रहे हैं लगता है। अभी यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा देर के बाद आके सब यहीं घुस जाता है, क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, देखने के लिए। तो ठीक है, देखते रहिए हमारे वीडियो को। और ये ना सूखा वाला झींगा है जो मैं आज बना रही हूँ, दाल और ये। और अभी ना मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि पूछो मत। अभी हमारे घर में इतना परेशानी चल रहा है ना कि सुन सुन के मैं ही इतना खुद परेशान हो जा रही हूँ। ये सब बोझ अब मेरे संभालने से बाहर हो गया है, तो आज मैं ना सब परेशानी को लेके प्रार्थना करी। दोपहर में प्रार्थना करके ना परमेश्वर के हाथ में दे दी और बोली, ये लो परमेश्वर, मेरा सब बोझ आप अपने ऊपर ले लो, मेरे से इतना बोझ भी नहीं संभाला जाता। सही में मैं इतना परेशान हो गई थी ना एकदम। आज जितने लोग के पास भी फ़ोन में, अभी 2-4 दिन से बात कर रही हूँ ना फ़ोन में, परिवार के पास भी, तो सब तरफ से खाली परेशानी परेशानी, इतना ज़्यादा परेशानी आ रहा है कि पूछो ही मत। हर घर में परेशानी परेशानी, तो वो सब बोझ हम लोग से नहीं संभाला जाता ना, मैं खुद इतना परेशान हो जाती हूँ। तो आज मैं अभी प्रार्थना करी और फिर वही मैं परमेश्वर को बोली कि इतना बोझ सब आप ही ले लो, मेरे से तो इतना बोझ नहीं संभाला जाता। जैसे जैसे प्रभु यीशु बोलते हैं ना, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्वास से ऐसे प्रार्थना करना, हाँ, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्वास, और ऐसे जब हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, तो एकदम विश्वास से करना है और अपना सब बोझ ना उनको दे देना है। जब भी हम लोग विश्वास से ऐसे प्रार्थना करते हैं ना, तो हम लोग का मन फिर एकदम हल्का हो जाता है और हमारा सब बोझ फिर परमेश्वर अपने ऊपर ले लेते हैं। और एक गाना भी है ना, अपना बोझ प्रभु पर डाल कभी ना घबराना, आँखों की पुतली समान वो संभाले, हाथों में वो तुझे थामे रहेगा वाला। अगर सुनना होगा ना ये गाना, तो यूट्यूब से सर्च करके सुन लेना, अच्छा गाना है। परेशान जो भी परेशान है ना, ये गाना सुन के बहुत हल्का लगेगा। मैं तो जब भी परेशान होती हूँ इस गाना को हमेशा सुनती हूँ। और जब मैं इतना प्रार्थना कर ली ना, उसके बाद मेरे को हल्का लगा और अभी मैं ठीक हूँ। और हम लोग ना अपना सोच सोच के बैठे रहते हैं, ऐसे हो जाता तो मैं ऐसे कर लेती, मैं वैसे कर लेती, ऐसे हो जाता तो अच्छा रहता, ऐसे हो जाता तो, वैसे हो जाता तो अच्छा रहता। और अपने सब परेशानी लोग को ना खुद हम लोग ले लेके बैठे रहते हैं, लेकिन इससे बस इतना ही हो पाता है कि हम ना खुद परेशान हो जाते हैं। और इतना परेशान हो जाते हैं आजकल तो, वैसे भी सब घर में इतना ज़्यादा परेशानी है ना, इसीलिए लोग कोई आत्महत्या कर लेता है, कहीं कुछ कर लेता है, लोग अकेले हो जाते हैं ना, बिल्कुल समझ में नहीं आता लोगों को हमको करना क्या है। इसलिए परमेश्वर बोल के रखे, अपना बोझ अब मेरे को दे दो। तो हम लोग ना बस इतना खुद से परेशान हो के बैठे रहते हैं और कुछ कर तो पाते नहीं हैं। और प्रभु को भी, और मतलब हम लोग ना परमेश्वर को भी करने नहीं देते। अपन लोग सब बोझ को खुद एकदम पकड़ के बैठे रहते हैं, ऐसे पकड़ के बैठते हैं ना कि नहीं हम लोग नहीं छोड़ेंगे। खुद इतना सारा चिंता अपने अंदर भर भर के पाल लेते हैं कि पूछो मत। इससे सब कुछ प्रभु के हाथ में दे देना चाहिए। जब भी हमारे ऊपर ऐसा बोझ आए ना, सब कुछ परमेश्वर को दे दो, ताकि वो अपने तरीके से ना
और अपने समय पर सब ठीक कर सकें। और जैसे हम लोग परमेश्वर को ऐसे अपना बोझ दे देते हैं ना प्रार्थना करके, परमेश्वर अब आप संभाल लो हमारा बोझ करके, तो देखना हमारा मन, और इस प्रार्थना को ना एकदम विश्वास से करना है। और जब हम लोग विश्वास से अच्छे से करते हैं ना, तो वाकई में हम लोग को इतना हल्का लगता है ना, एकदम हल्का, मैं सही बता रही हूँ। मैं उतना समय प्रार्थना करी ना, उससे पहले मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रही थी कि बता नहीं सकती, लेकिन उसके बाद जब से मैं प्रार्थना करी ना, सही मेरे को इतना हल्का लगा, अब मेरे को कुछ भी चीज़ किसी के बारे में याद नहीं आ रहा है, सब कुछ मेरे दिमाग से निकल गया। अब तो मैं एकदम ठीक हूँ। और जैसे होता है ना एक लाइट वाला, जो एक पोंगरी टाइप का बनाते नहीं है और उसमें एक लाइट जला के उसको उड़ा देते हैं, तो उसको काहे के लिए उड़ाते हैं मेरे को भी उतना नहीं पता, पर शायद इसीलिए उड़ाते हैं कि उन लोग ना अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, है ना, नहीं पता काहे के लिए उड़ाते हैं, पर मेरे को वैसे ही लगता है कि शायद उसमें, तो फिर वही अपना चिंता हटाने के लिए, तो उन लोग इसीलिए करते हैं कि अपन लोग ना, मतलब उस समय उन लोग लाइट जलाते हैं मोमबत्ती उसमें, और गुब्बारा जैसे बनाते हैं और उसके अंदर मोमबत्ती जला के रख देते हैं और उसको एकदम ऐसे करके उड़ा देते हैं, ताकि उनका, और उन लोग कुछ कुछ मांग लेते हैं उससे शायद, ताकि उनका चिंता हट जाए। तो अपन को वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को सिर्फ प्रार्थना करने की ज़रूरत है और परमेश्वर को अपनी हर परेशानियों को दे देने की ज़रूरत है। और जैसे हम लोग करते हैं ना, वाकई में करके देखना एक बार, तो ना सही में इतना ज़्यादा हल्का लगता है ना। आज तो मेरे को उसके बाद एकदम आराम लगा, अब मैं एकदम मस्त हूँ और एकदम ठीक हूँ। तो ऐसे ठीक रहने से ना काम करने का भी मन करता है, जानते हो, नहीं तो बिल्कुल मन नहीं करता कुछ करने का, खाली परेशानी परेशानी परेशानी। तो अब से मैं, तो मैं यही चीज़ करने वाली हूँ भैया, आज मेरे को बहुत ज़्यादा हल्का लगा। और यहाँ पर ना मेरा कपड़ा धो रही हूँ अभी मैं, खाना वाना तो बन गया हमारा और हम लोग खाना वाना भी खा लिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा थक गई थी, उसके बाद मैं जाके थोड़ा देर लेटी थी, उसके बाद मैं अब सोची कि अब अभी ना 1:30 बज रहा है, 1:30 या 2 बज रहा है, तो अब मैं सोची कि थोड़ा कपड़ा धो ही लेती हूँ, नहीं तो ये फिर पड़ा रह जाएगा। अब मेरे को ठीक लगा तो मैं फिर अपना कपड़ा धोने आ गई मैं। और बस सरफ में डुबा ये सब कपड़ा, क्या है ना, ज़्यादा गंदा नहीं है, बस ये थोड़ा थोड़ा एक दो दिन ऐसे ही कहीं कहीं जाते हैं ना उस टाइम पे पहना वाला है, तो ज़्यादा गंदा नहीं है, बस मैं इसको ऐसी सरफ से डुबाई, सरफ में डुबाई और बस ऐसे ही धो दे रही हूँ, साफ ही है बस हल्का हल्का, तो इसलिए बस ऐसे थोड़ा थोड़ा धो दे रही हूँ मैं इसको। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखना और इतना परेशानी बोझ अपने ऊपर मत लेना, क्योंकि मैं इतना बोझ लेके आज देख डाली, मैं बहुत परेशान हो गई थी। सब बोझ ना अपना बस परमेश्वर को दे देना, परमेश्वर बैठे हैं हमारा बोझ उठाने के लिए, मतलब कितना प्रेम करते हैं वो हम लोग से, उनको पता है कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होने वाला है, इसीलिए वो बोलते हैं हर चीज को ना वो करके रखे हैं वो। जब अपन लोग छोड़ देते हैं ना परमेश्वर के हाथ में, तब परमेश्वर आसानी से अपना काम कर पाते हैं, लेकिन अपन लोग क्या करते हैं, एकदम पकड़ के बैठ जाते हैं, छोड़ेंगे इच्छा नहीं करके, जैसे कि सोना चांदी है, हमको छोड़ना ही नहीं है, बस पकड़ के बैठ गए तो बैठ गए, परमेश्वर बोलते रहते हैं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन हम लोग बोलते हैं नहीं छोड़ेंगे, हद करके रखे हैं हम लोग भी, तो ऐसे में बेचारे परमेश्वर भी कह रहे हैं तो क्या करें। ठीक है, परमेश्वर हमारा ध्यान बहुत रखते हैं, हम लोग को भी कभी उनका बात मान लेना चाहिए। तो अभी बस मैं यहाँ पर सुखाने जा रही हूँ कपड़ों को, और आज ना धूप भी बहुत तेज है, सवेरे भी धुला था एक बार कपड़ा, 2 जेनी का स्वेटर और जेनी का कपड़ा, अभी और कुछ कुछ कपड़ा गंदा हो गया था, तो मैं सोची धो ही देती हूँ। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।